चलिए आज का टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में दो केसेस आते हैं, पैरेलल फिल्म और वैज शेप्ड फिल्म। इन एक्चुअल में हुक्स ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। जो थिन फिल्म्स हैं, जैसे आपका सोप फिल्म होती है, आप जो है एक वाटर लीजिए और उसमें कोई डिटर्जेंट जो है वो उसमें घोल लीजिए हाथ से, और फिर आप हाथ में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करके देखिए तो वहाँ आपको एक सोप फिल्म नज़र आएगी। तो सोप फिल्म में कलर नज़र आता है। हुक्स ने इन कलर को ऑब्जर्व किया। दिस कलर वाज इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म। इन फिल्म का एक्सप्लेनेशन यंग्स ने दिया। यंग्स ने बताया कि किस तरह से वेव थ्योरी की हेल्प से कि किस तरह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है थिन फिल्म में बनता है। तो थिन फिल्म में दो तरह की थिन फिल्म होती है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, पैरेलल फिल्म्स मींस यूनिफॉर्म थिकनेस की, और एक वैज शेप्ड फिल्म जिसकी थिकनेस जो है जीरो से और वेरी करती है किसी पर्टिकुलर थिकनेस तक। तो यंग्स ने इन फिल्म को एक्सप्लेन किया, इन फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया, और उसने इस पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये आप रिफ्लेक्टेड लाइट में एग्जाम देख ही रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट में इंटरफेरेंस किस तरह से होता है, ये एक्सप्लेन किया था। और दूसरा था ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो आज हम सबसे पहले ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इंटरफेरेंस थिन फिल्म में किस तरह से होता है ये एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सपोज ये हमारी एक थिन फिल्म है, थिन फिल्म की अपर सरफेस है ये, और ये थिन फिल्म की लोअर सरफेस है। पैरेलल फिल्म है, यूनिफॉर्म थिकनेस है। सपोज इनकी टी यूनिफॉर्म थिकनेस है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का। ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो इस फिल्म की अपर सरफेस पर, अपर सरफेस के किसी पॉइंट ए पर, सपोज ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर सपोज सोर्स से आने वाली लाइट इंसिडेंट होती है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस ए पॉइंट पर लाइट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज ये रिफ्लेक्ट होकर ए क्यू डायरेक्शन में चली गई, और पार्टली ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और सपोज ये किसी बी पॉइंट पर लोअर सरफेस को स्ट्राइक करती है, हम रिफ्लेक्टेड लाइट का केस कंसीडर कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि लाइट दो पार्ट में ब्रेक होगी, पार्टली रिफ्लेक्ट होगी पार्टली ट्रांसमिट होगी, पर हम टोटल रिफ्लेक्शन का केस कंसीडर कर रहे हैं। तो बी पॉइंट पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई बी सी डायरेक्शन में, ये बी सी डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद सी पॉइंट पर अपर सरफेस के स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ सी पॉइंट से ये टोटल रे आर डायरेक्शन में सपोज ट्रांसमिट हो गई।
तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग जैसा आप जानते हैं वो क्यू आर रे है, ये दोनों रे जो है पैरेलल रेज होंगी। तो ये क्यू आर जो है ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। अगर हम इस नॉर्मल को नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल सपोज लोअर सरफेस को किसी पॉइंट डी पे कट कर रहा है, और अगर हम इस बी सी रे को पीछे की ओर ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल को सपोज किसी पॉइंट ई पे कट कर रहे हैं। मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए डी बी और डी ई बी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग। मीन्स ये भी एंगल आर होगा और ये डिस्टेंस डी ई बी ए डी के इक्वल होगा। तो इस तरह से रे डायग्राम इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म बनाया जा सकता है। इंटरफ्रेंस को स्टडी करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमें क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, इंटरफेयरिंग बीम के बीच में पार्ट डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास इंटरफेयरिंग बीम है ए क्यू एंड ए बी सी आर, ये दो इंटरफेयरिंग बीम है। बी सी रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर ये ई पॉइंट पर जाकर मिल रही है, तो ऐसा लगता है जैसे कि लाइट जो है वो ई पॉइंट से आ रही है। तो इस तरह से ए और ई जो है दो करंट सोर्स में ब्रेक हो जाएंगे, दो करंट सोर्स की तरह से काम करेंगे। तो इन दोनों सोर्सेस से आने वाली रे के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक नॉर्मल जो है वो इस सी पॉइंट से इस ए क्यू रे के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो सपोज इसी किसी पॉइंट पी पे कट कर रहा है, और इसी तरह से एक नॉर्मल हम ए पॉइंट से इस बी सी रे के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो सपोज इसे किसी पॉइंट एन पे कट कर रहा है। तो अगर हम देखें ये एंगल 90, ये आई, ये 90 माइनस आई, ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल बन जाएगा आई। और इसी तरह से इसमें देखें ये आर है, ये 90 है, ये 90 माइनस आर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये वाला एंगल बन गया आर। तो अब हम पार्ट डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बियॉन्ड ए पॉइंट दोनों रे ऐसे रे के अंदर है, तो यहाँ तक ए पॉइंट तक रे का पास सेम ही होगा दोनों रे का, और बियॉन्ड पी सी अगर हम देखें तो भी रे का पास सेम होगा क्योंकि पैरेलल रेज हैं, ये सी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। तो बियॉन्ड पी सी भी अगर आप देखें तो भी रे का पास सेम है। मीन्स दोनों रे जो हैं जो ए क्यू रे है इन एक्चुअल में वो ए पी है, पाथ जो है वो एयर में चल रही है, और ए बी सी जो दूसरी रे है वो फिल्म के अंदर पाथ चल रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस से हम पाथ डिफरेंस इन इंटरफेयरिंग बीम के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उससे इंटरफेरेंस की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये कैलकुलेट करते हैं। फिगर बना लिया सभी ने? यस सर। चलिए तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम फिगर द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस The optical part difference
डेल्टा इक्वल्स टू सपोज डेल्टा पाथ डिफरेंस है इट विल बी इक्वल्स टू ए बी सी इन फिल्म माइनस ए पी इन एयर तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया आपके और इसको आप अगर हम कैलकुलेट करें ए बी सी इन फिल्म तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके अंदर चल रही है तो म्यू ए बी प्लस बी सी बी सी माइनस ए पी से इट इज इक्वेशन नंबर वन और पार्ट डिफरेंस तभी कैलकुलेट हो सकता है आप देख रहे हैं कि पहला वाला पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में है दूसरा वाला एयर में है तो जब तक हम इस एयर वाले का फिल्म के अंदर इक्विवेलेंट पाथ नहीं निकाल लेंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया स्नेल लॉ का यूज किया यूजिंग स्नेल्स लॉ और स्नेल लॉ क्या कहता है म्यू विल बी इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर साइन आई फिगर से हम निकालें तो ए पी ओवर सी ए ओवर एसी लिख दें या सीए की बात है और साइन आर को हम लिखेंगे तो साइन आर हो जाएगा सीएन ओवर एसी ये कैंसिल हो गए तो यहां से एपी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू सी एन सेड इज इक्वेशन नंबर टू इस इक्वेशन को उठाकर हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिख गया यहां तक सभी का यस सर यस सर From equation 1 and 2, we have क्या होगा डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस म्यू सी एन और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू ए बी प्लस बी सी म्यू कॉमन ले लिया हमने बी सी
माइनस सी एन बीसी माइनस सी एन क्या बनेगा, बीसी माइनस सी एन बन गया बी एन, तो हम इसको लिख सकते हैं और डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ए बी प्लस बी एन से इट इज इक्वेशन नंबर थ्री। जैसा हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट विद डीईबी, एज ट्राइंगल डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DEB therefore AD will be equals to ED equals to T and AB will be equals to EB तो ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर थ्री में रख लें। therefore डेल्टा विल बी इक्वल्स टू म्यू एबी की जगह रख लिया जाएगा ईबी ईबी प्लस बीएन और ईबी प्लस बीएन क्या हो गया फिगर को अगर देखें ईबी प्लस बीएन तो ये बन गया ईएन डेरिवेशन है। अगर आप देखें आपको सिर्फ ज्योमेट्री यूज करनी है। सेड इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने ट्रायंगल ले लिया AEN, EN की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए EN की वैल्यू होगी तो हम आसानी से पार्ट डिफरेंस निकाल पाएंगे और इसके लिए हमने ट्रायंगल AEN कंसीडर कर लिया। तो फ्रॉम ट्रायंगल AEN यहां से हम cos r लिख सकते हैं, cos r की वैल्यू लिख सकते हैं EN ओवर AE। EN ओवर AE और AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस ED मीन्स EN ओवर AD प्लस DE। और दोनों की वैल्यू क्या है टी
तो टी प्लस डी, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, यहां तक लिख लिया सभी ने? यस सर। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन इक्वल्स टू टू टी कॉस आर। सेट इज इक्वेशन नंबर दिया गया आपके 5 को इक्वेशन नंबर 5 को 4 में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 डेल्टा इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर। ये पार्ट डिफरेंस निकल के आया, डेल्टा इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर, लेकिन इस पार्ट डिफरेंस में एक बड़ी ही बेसिक प्रॉब्लम है कि हम जानते हैं कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, तो उसके फेज में पाई का चेंज या पाथ में लैम्डा बाई टू का चेंज आता है। इसको बोलते हैं स्टॉक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ हम यहाँ पर भी देखें तो पाथ जो है लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पर भी लैम्डा बाई टू का पाथ में चेंज आना चाहिए। तो ये जो पाथ आया है इसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का और होना चाहिए, प्लस माइनस लैम्डा बाई टू का, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो स्टॉक्स लॉ में कंडीशन बताई हुई है किस केस में कैसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस विल बी, लिख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन आप, अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस विल बी डेल्टा इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, ये इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा। तो इस पार्ट डिफरेंस की हेल्प से हम देख सकते हैं म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई टू। तो अब हम इस पार्ट डिफरेंस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। मीन्स अगर ये वैल्यू यहां हम रखें टू म्यू टी कॉस आर आर माइनस लैम्डा बाई टू will be equals to 2 n lambda। तो यहाँ से बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज कैलकुलेट होकर आती है, जो पार्ट डिफरेंस है that will be the odd multiple of half of wavelength 2 mu t cos r equals to 2 n lambda by। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पार्ट डिफरेंस है थिन फिल्म इन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में वो odd multiple of half of wavelength। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर हम बात करें तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, मींस डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1
ऑड मल्टीपल हो गया ना, 2n+1 लैम्डा बाई 2 हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू रखें 2μcos r − λ/2, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 2μcos r = nλ। से इट इज इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में जो पार्ट डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आता है, वहीं डिस्ट्रक्टिव के लिए इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ या एन लैम्डा कैलकुलेट होकर आता है। पीछे वाला दिखाना, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? यस सर। तो ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट अगर देखें हम कि किस तरह से जो है इंटरफ्रेंस पैटर्न इसके अंदर देखने में मिलता है, देखिए तो ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट में अगर आप देखें, इस बार हम केस स्टडी कर रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट का। तो ये हमारी फिल्म है, थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, पैरेलल फिल्म है, टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस बार सोर्स से आने वाली लाइट इसके अंदर एंटर की विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ट्रांसमिट हो गई, क्योंकि इस बार हम केस कर रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट का। तो टोटल हमने कंसीडर किया कि ये टोटल आर सरफेस से ट्रांसमिट हो गई है विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये ट्रांसमिट हो गई इस डायरेक्शन में। और सपोज ये लोअर सरफेस के किसी पॉइंट ए पर आकर स्ट्राइक कर रही है, ए पॉइंट पर हम दो केस मानकर चलेंगे, वही पहले की तरह से कि पार्टली जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई सपोज ए सी डायरेक्शन में, और पार्टली जो है वो ट्रांसमिट हो गई सपोज ए पी डायरेक्शन में। इसको हमने रे वन नाम दे दिया। और इसी तरह से रे टू जो है जो सी पॉइंट पर आई है, सी पॉइंट पर हमने कंसीडर कर लिया कि टोटल रे जो है वो ट्रांसमिट हो सॉरी रिफ्रैक्ट हो गई सी डी डायरेक्शन में, और डी पॉइंट से टोटल रे ट्रांसमिट हो गई क्यू डायरेक्शन में। यानी रे वन और रे टू जो है ये पैरेलल रेज होंगी, ठीक है। ए पॉइंट से जो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो लोअर सरफेस को सपोज किसी पॉइंट बी पे कट कर रहा है, और हमने इस सी डी रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया, तो जो सपोज इस नॉर्मल को किसी पॉइंट ई पे कट कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी
और ट्राइंगल ईबीसी ये कॉन्ग्रेंट होंगे, मीन्स ये वाला एंगल भी आर होगा, बीई डिस्टेंस जो है ये टी होगी। अब हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि इंटरफेरेंस बीम, अगर इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो इंटरफेयरिंग बीम्स जो है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस एपी रे के ऊपर, जो सपोज जैसे किसी पॉइंट एल पे कट कर रहा है, ये एंगल आई होगा, क्योंकि जिस हम जानते हैं कि पैरेलल फिल्म के अंदर जिस एंगल से लाइट एंटर करती है उसी एंगल से बाहर निकलती है। तो ये एंगल आई, ये 90, ये 90 माइनस आई होगा। और एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, सॉरी ये 90 माइनस आई होगा एंगल, गलत, ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा। ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई होगा, ये एंगल आई होगा, ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल आई होगा। और इसी तरह से एक नॉर्मल हमने इस ए पॉइंट से इस सी डी रे के ऊपर ड्रॉ किया, जो सपोज इसे किसी पॉइंट एम पे हम मान ले रहे हैं कट कर रहा है, किसी पॉइंट एम पे कट कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ये एंगल होगा आर। ये एंगल आर होगा। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, मिरर इमेज है उस डायग्राम की। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके का डायग्राम है। चलिए फिर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में। तो पाथ डिफरेंस अगर आप देखें तो बियॉन्ड एलडी रे का पास सेम है, मींस तो जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी एसीडी इन फिल्म्स एंड एएल इन एयर। बट फ्रॉम फिगर द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विल बी, फ्रॉम फिगर the optical path difference will be delta equals to ACD in film माइनस ए एल इन एयर, माइनस ए एल इन एयर। यानी कि म्यू ए सी प्लस सी डी माइनस ए एल, और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है सी इट इज, ये आगे इक्वेशन नंबर कितना 10 आ गई, 9 थी ना इससे पहले वाली, ये 9 8 और 9 थी, ये 10 आ गई। अब तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर इक्विवेलेंट पाथ निकालना पड़ेगा, और वो निकलेगा स्नेल लॉ की हेल्प से। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्टेप सारे वही हैं जो हमने पहले यूज किए थे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ will be equals to C
साइन आई ओवर साइन आर, और साइन आई की वैल्यू अगर हम फिगर से निकालें तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी ए एल ओवर ए डी। और साइन आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो साइन आर विल बी इक्वल्स टू एम डी ओवर ए डी। MD over AD। तो यहां से हम लिख सकते हैं AL equals to mu MD से AD is equation number 11। इस वैल्यू को उठाकर हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 10 में। From equation 10 and 11, part difference will be कितना हो जाएगा mu AC प्लस सी डी माइनस या माइनस म्यू एम डी और म्यू कॉमन ले लेंगे देन म्यू ए सी प्लस सी डी माइनस एम डी तो अगर हम सी डी में से एम डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा सी एम। तो यहां से डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ए सी प्लस CM से इट इज इक्वेशन नंबर 12। अगर हम फिगर को देखें तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EBC ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABC is congruent with triangle ECB EBC therefore AB equals to BE equals to T, AB equals to BE equals to T and AC will be equals to EC. तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 12 में रखते हैं तो यहां से हमें मिलेगा, ये लिख लिया ना यहां तक सभी ने? यस सर। यस सर। देयरफॉर D
डेल्टा म्यू एसी को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं ईसी से, ईसी प्लस सीएम और ईसी प्लस सीएम क्या बन गया ईएम, और डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ईएम सेड इज इक्वेशन नंबर 13। ईएम अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें पार्ट डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा, और ईएम कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया ईएएम, तो फ्रॉम ट्रायंगल ईएएम यहां से हम कॉस आर लिख सकते हैं, कॉस आर की वैल्यू आएगी ई एम ओवर ए ई, मींस ई एम ओवर ए बी प्लस ई बी और इसकी वैल्यू है टी, यानी ई एम ओवर टी प्लस टी तो यहां से ई एम की वैल्यू हो गई 2t cos r, इक्वेशन नंबर 14। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 13 में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14 डेल्टा इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर। तो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो पार्ट डिफरेंस बनकर आता है डेल्टा इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर, इसमें हम स्टॉक्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स लॉ जो है सिर्फ रेयर से डेंसर मीडियम के लिए होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट आती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, और इस केस में अगर आप देखें तो डेंसर से रेयर में लाइट आ रही है, इसलिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस में कोई चेंज देखने में नहीं आएगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 15 ही इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होगी। तो अब इस पाथ डिफरेंस से हम मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, कहाँ पर हमें डार्कनेस मिलेगी, डार्क बैंड मिलेंगे, कहाँ पर ब्राइट बैंड मिलेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमा के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि टू म्यूटी कॉस आर जो है पाई या पार्ट डिफरेंस जो है वो एन लेमडा होना चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम रखते हैं पार्ट डिफरेंस की दैट विल बी टू म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेमडा, और मीन्स इस कंडीशन में हमें राइट बैंड मिलेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ,
मीन्स 2n+1 लेमडा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेल्टा की वैल्यू रख दें 2μt cos r विल बी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 16 एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 7। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखने में मिलती है कि ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो ब्राइट बैंड है वो ऑड मल्टीपल ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो ब्राइट बैंड है वो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ या एन लैम्डा पर देखने में मिलते हैं, और जो डार्क बैंड है वो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर देखने को मिलते हैं, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में कंडीशन उल्टी थी। वहाँ ब्राइट बैंड जो है वो हमें ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर देखने में मिल रहा था, और जो हमें डार्क बैंड है वो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर देखने में मिल रहा था। यानी अगर हम पैटर्न को देखें तो जो बैंड हमें रिफ्लेक्टेड लाइट में अपीयर हो रहे हैं वो ट्रांसमिटेड लाइट में वो डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे वो बैंड, और जो बैंड हमें वहाँ पर मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में डिसअपीयर हो गए हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बैंड ट्रांसमिटेड लाइट के केस में हमें दिखने लगाएंगे। तो इस बिहाव पर हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये पैटर्न जो है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ आप कंक्लूजन लिख सकते हैं द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रिफ्लेक्टेड द इंटरफेरेंस पैटर्न इन थिन फिल्म द इंटरफेरेंस पैटर्न in thin film due to reflected and transmitted light due to reflected and transmitted light are complementary to each other इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म था। तो आज यहीं पर रखते हैं, पूरी क्लास स्टार्ट हो गई है सर। ठीक है, कह तो दिए, यहीं रखते हैं।